श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मान भरे चंचल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद की चर्चा चल रही है पूरा मुखमंडल में ना, तो अभी आँखों की बात आई नेत्र कमल की, अब मुख कमल की बात आ रही है। बीड़ी लेत मुख हाथ सों, शोभित कोमल हाथ मुदरी। अपने कोमल हाथ से पान का बीड़ा उठा करके वो मुंह के अंदर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि लेत अंगुरियाँ छविशों बल बल जाऊँ सबे अंगुरी, तो सारी ये अंगुलियाँ भी दिखती है, पूरी अंगुलियाँ दिखती है ऐसे, तो पूरा मुखमंडल मुँह खिल रहा है। और उसके बाद में बात करते हैं तो वो बात भी आगे आती है। बीड़ी मुख आरोगते अधर अधर देखताते लाल, तो थोड़ा सा मुंह खोलते हैं तो ओठ वगैरह भी थोड़े से अंदर तक दिखाई देते हैं तो वो ऐसे लाल है, तभी तो चबाएंगे उसके बाद में उसमें से लालिमा आएगी, बाकी वैसे ही वो लालिमा ज़्यादा दिखती है। हंसत हरवटी शोभा सुंदर नेत्र मुख मच्छराल, हंसते हैं थोड़ा सा अब मुस्कुराते हैं तो उसके बाद में ये हरवटी चिबुक है और पूरे मुख है नेत्र हैं, ये सब बड़े सुंदर होते हैं, तो मच्छराल भी उसके लिए उसकी सुंदरता एक अलग प्रकार की सुंदरता है, उसके हिसाब से मच्छराल कह रहे हैं। तो हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा, ही वैसे खिल जाता है। अद विचारोगते वचन कहत रसाल, तो ऐसे उधर तांबुल चबा भी रहे हैं और फिर बीच बीच में बात भी करते हैं, तो मुंह को ओठ को थोड़ा सा टेढ़ा करके बात करनी पड़ती है ना, तो उस समय भी वो भी शोभा बड़ी अच्छी लगती है। नयन बान चलावत सहजे छाती छेद निकषत भाल, उनके नेत्रों के बाण तो जैसे नेत्र की दृष्टि पड़ती है तो उससे इतना अंदर तक वो बात चुभ जाती है, चुभने का तात्पर्य हृदय में अंकित हो जाती है उनके प्रेम, उनका प्रेम, तो इसको बताने का एक तरीका है। तो वो प्रेम के बाण अंदर तक जाते हैं और भाले की तरह से चुभ रहे हैं, ऐसा वो बताने के लिए ऐसे बता देते हैं। तो उनकी दृष्टि देखते हैं ना तो हमारी ओर दृष्टिपात कर रहे हैं तो उसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं, तो केवल वो दृष्टि दिखाई देती है तो अंदर हृदय में जा कर के वो सारी बातें अंकित होती है, तो इतना आनंद आता है कहने का तात्पर्य। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो छाती छेद निकषत भाला, जैसे भाला पूरे दिल को छेद करके निकल गया उस तरह से इतने अंदर तक उसका असर पड़ता है। मोर तपान रंग तंबूल, तो पान मोरने का तात्पर्य तो मुख थोड़ा सा खोलते हैं तो उसको मोरना बोलते हैं, खिलना उसके लिए गुजराती का शब्द है ये मोरना, एवं है ना। तो गुजराती वैसे उसमें तारतम सागर में ना हिंदी में भी गुजराती के शब्द तो कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे ही, तो वो सब समझना चाहिए। मोरना बोलते हैं तो कोई भी वो खिलना वनस्पति वगैरह जैसे खिलने लग जाते हैं तो उसको भी मोरना बोल देते हैं, तो ऐसा। तो मोरत पान रंग तंबोला, तो मुँह खिलने लग जाता है तो जब वो और
तो वो तंबुल तांबुल वगैरह वो चबाए हुए हों तो फिर तो उस समय भी मुंह थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, माए जल के माए गाल। तो जब तो इस तरह से वो कुछ चबा रहे होते हैं तो उस समय मुंह तो हिलता है ना, तो गाल भी हिलेगी। तो ये सारा तो उसकी वो अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है, वो भी बड़ी सुंदर होती है। इस प्रकार से कह रहे हैं, जो नयनों भर देखिए रुअ तबई बदले हाल। तो आंखें भर भर करके देखना मतलब बड़े प्रेम से देखते हैं तो ब्रह्मात्मा को बड़ा अच्छा लगता है। जो आत्मा उस पर ध्यान देती है उसको वही दृश्य अच्छा लगता है। मर कलड़े मुख बोलता, तो ऐसे तो बीच बीच में वो बोलते भी हैं तो उसको मर कलड़ा, ये भी वैसे तो गुजराती शब्द ही है, वो थोड़ा थोड़ा ना वो मुस्कुराते मुस्कुराते बोलते हैं। ऐसे सीधा बोलना और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं तो थोड़े से मुँह का वो ओठ का और वो सब में थोड़ा सा फर्क आता है, तो वो भी तो एक अलग प्रकार की वो सुंदरता लगती है ना। तो उसके लिए वो बात कर रहे हैं, गौर हरवटी हंसत। तो उस समय उनके हरवटी तो ये चिबुक के लिए है, वो भी हंस रहा हो ऐसा लगता है। नयन श्रवण नीलवट नाशिका, आँखें भी उसी प्रकार से थोड़ी सी छोटी हो जाती है। नीलवट ललाट है, उसमें भी थोड़ा सा रंग बदल जाता है उसकी छटा भी। मानो अंग सबे मुस्कता, तो सारे अंग वो मुस्कुराते हैं, उन सब अंगों में से मुस्कान निकल रही ऐसा लगता है। जो तधारत चित्त चाहती नरम लगत, तो उनमें जो भी चमक आती है तो वो रुचिकर होती है, तो अच्छा लगे ऐसा ही होता है। वैसे कोई बनावटी हंसता हो तो वो शोभा नहीं लगती है, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे अच्छा लगता है ब्रह्मात्माओं को उस प्रकार से, तो वो उसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो चित्त चाहे नरम लगत, तो इतनी कोमलता उसमें से झलकती है। कई रंग करे चित्त चाहते खुशबू ये करता अतंत, तो ऐसा लगता है कि उसमें से सुगंधी निकल रही हो, ऐसा जैसा ब्रह्मात्मा चाहती है ब्रह्मात्मा है, उस प्रकार से उनको आनंद आता है। चित्त चाहे सुख देता है लाल मोती कानन, कान के आभूषण है उसमें लाल माणिक और मोती वगैरह लटके हुए हैं, तो वो भी ब्रह्मात्माएं जैसा चाहती हैं उसी प्रकार से वो उनसे सुख प्राप्त होता है। देख देख जाऊं वारन एजो भूषण चेतन, तो ये आभूषणों को देख करके लगता है कि इनके प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि ये सब चेतन है, ये भी बात करते हैं इनसे बात करें तो। सुपन स्वरूप जिन विद के एजो पहनता है भूषण, दुनिया के शरीरों में जो भी आभूषण पहने जाते हैं उस प्रकार के आभूषण, तो स्वप्न के स्वरूप कहने से दुनिया के मनुष्य जो आभूषण पहनते हैं, परमधाम में ऐसा नहीं होता है। सो तो अरस में हाय नहीं, जो श्रृंगार करे विदयन, दुनिया की रीत भांत श्रृंगार की परमधाम में नहीं है। परमधाम में परमधाम की रीत है, वो अलग प्रकार की है, उसको समझना चाहिए। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन, नया पुराना पहन उतारना ए हो तो स्वप्न के तन। तो स्वप्न के तन में तो क्या होता है, तो जैसे अभी ये कपड़े पहने तो पसीने आ जाएंगे, तो उसके बाद में फिर ये कपड़े बदल करके दूसरे पहनने पड़े, ऐसा हो जाता है कई बार, ज़्यादा ही ऐसा हुआ था। तो इस तरह से एक ही दिन में भी कई बार वस्त्र बदलने पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग तो दिन में कई बार वस्त्र बदलते हैं, कई अलग अलग कार्यक्रमों में जाना पड़े कुछ हो तो, खास करके महिलाएं होती है तो उन लोगों का ये शौक ज़्यादा होता है। तो दुनिया में इस प्रकार से चलता है, परमधाम में ऐसा नहीं है, उतारना फिर पहन लेना ऐसा नहीं है। तो वो तो जैसे चाहा उस प्रकार से अपने आप आ जाते हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं।
ये बारीक बातें अरस के सो जाने अरवा अरस के, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं परम धाम की, वो ब्रह्मात्माएं जान सकती है। नया पुराना घट बड़ा सो कबो नारस में, ये परम धाम में तो नया पुराना घटना बढ़ना ये कभी होता नहीं है, हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है, घट करके बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, कहीं बढ़ता है यहाँ पर तो एक तरफ घटेगा और दूसरी तरफ बढ़ेगा। जैसे नदी में बाढ़ आती है तो घटेगा कहाँ, तो बादलों में से पानी तो घटा ना, तो बारिश हुई तो फिर इधर नदियों में बाढ़ आ गई। तो दुनिया में इस तरह से घटना बढ़ना होता है, परमधाम में ऐसा नहीं, हमेशा वृद्धि ही दिखती है। अरस में सदा एक रसा करे पल में कोट श्रृंगार, परमधाम में तो एक हमेशा एक जैसा है, क्षण मात्र में करोड़ों श्रृंगार बदलते हो ऐसा लगता है। चित चाहे अंगों सब देखत नया पहना न जूना उतार, जैसे चाहते वैसे अंग में दिखाई देते हैं, पहनना उतारना नहीं होता है। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण करे कोट रंग, चित चाहे जैसे वस्त्र हैं वैसे, जैसे अंग है उसी प्रकार के वस्त्र आभूषण हैं। करे कोट रंग चित चाहे, तो वो जैसे आत्माएं चाहती हैं उस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रंग उसमें दिखाई देने लग जाएंगे। अरस जूना न कबू कोई रंग देखत पल में नित नए, परमधाम में कोई रंग पुराना होता ही नहीं है, देखते रहते हैं नित्य नया जैसा ही दिखाई देता है। देत खुशबू ये खुशहाली श्रवणों अति सुंदर, तो खुशबू तो वो और प्रसन्नता उसकी सुगंधी, ये तो परमधाम में सर्वत्र है। श्रवणों अति सुंदर, तो श्रवण से वे ये सुंदर खुशहाली और सुंदरता दिखाई देती, सुगंधी दिखाई दे वो प्राप्त होती है। बात सुनत मेरी रीझत, मेरी बात सुन करके श्रवण बड़े प्रसन्न होते हैं राज्य के, तो और राज्य फिर तो उससे उत्तर दे देते हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं सुख पावत रूह अंदर, तो आत्मा अंदर अंदर बड़ी प्रसन्न होती है। जो अटको इन अंग में तो जाए न सकूं छोड़ के, तो यदि श्रवण इंद्रिय कोई देखने लग जाते हैं श्रवण अंग कोई, तो दृष्टि वहाँ से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। गुज गुण के श्रवण के रुआ इतना ही हो बे गलित, श्रवण के तो गुण भी बड़े ही गुह्य हैं कि हमारी सारी भावनाएं तो जो मुँह से व्यक्त करते हैं तो वो श्रवण इंद्रिय ही सुनती है, तो इसलिए उसका तो रहस्य बड़ा विचित्र प्रकार का है ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए आत्मा उसको देख करके वहीं पर टिकी रहती है, हम कहते रहें और वो सुनते रहें ऐसा लगता है। जामा अंग जवेर का भूषण नंग कई रंग, तो जामा तो वो कैसा है, तो शरीर के अंग जैसा ही है और वो भी रत्न का हो ऐसा लगता है। भूषण नंग कई रंग, उसमें कई प्रकार के आभूषण वगैरह लगे हुए हैं कई रंग के ऐसा लगता है। जो तो पहुँचे आकाश में जाए करत मीनो मीने जंग, आभूषणों के और जामा के वो ज्योतियाँ तो रंग सारे आकाश में जाती है और एक दूसरे से द्वंद करती है ऐसा लगता है। यही विद जामा पटुका यही विद पाग वस्त्र, जैसे जामा की सुंदरता है उसी प्रकार से पटुकी है वो भी बड़ी सुंदर है, और उसी तरह से पाग दूसरे वस्त्र वो सारे इतने सुंदर हैं। करे चित चाहे अंग रोशनी, जैसे अक्षराते चाहते हैं उस प्रकार से उसमें सुंदरता बढ़ती है, तो कभी ब्रह्मात्माएं चाहती हैं तो वैसा ही स्वरूप भी दिखाई देता है। अनेक ज्योत अंगधर, अनेक प्रकार की ज्योति उन अंगों से निकलती है। जामा पटुका चोली बाहें की चीन मोहरी बंद बगल, जैसे जामा में पटुका बांधा हुआ है और वो बाँ है, तो इसमें भी न जामा में वो तो ये जो यहाँ का वक्ष स्थल का और ये भाग है तो वो जैसे अलग से वो क्या बोलते हैं चोली पहनी हो उस प्रकार से वो दिखाई देता है। जैसे यहाँ तो कई लोग वो अलग प्रकार का वो भी ऐड करके कर देते हैं ना जोड़ करके, तो यहाँ कुछ वो अलग से ऊपर से
कोट जैसा वो आधा तो अलग से बना देते हैं ना, तो एक ही उसमें एक ही ड्रेस में, तो राज्य को तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्रह्मात्माएं चाहती वो सभी दिखाई देता है। वो कह रहे हैं चीन मोहरी बंद बगल, तो उनकी वो कैसा है, वो चीन रेशम का है तो ऐसे उनकी मोहरी है और बंद बगल बगल बंदी है मोहरी है, तो उन वो सारे उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। ए आश का अंग देख के आगो नजर न सके चल, धामधनी के इन अंगों को देख करके आशिक परमात्माओं की दृष्टि उनसे हट करके दूसरे स्थान पर नहीं जाती है। चोली अंग को लग रही, ऐसा लगता है कि चोली जैसा वो अंग एकदम अंग में फिट दिखाई देती है। हार लटके अंग हलत, तो जैसे हार वक्षस्थल पर कंठ से लटके हुए हैं और जैसे अंग हिलते हैं उस प्रकार से वो भी हिलते हैं। तले हार बीच दुग दुगी नहरें लहरें जो तो चलत, तो हार से नीचे लटकन होती है तो वो लॉकेट जैसी, तो उससे भी एक अलग अलग प्रकार की ज्योति निकल रही हो ऐसा दिखाई देता है। बगलों बेली फूल खब्बे, तो ये बगल भाग में तो उधर भी अलग अलग प्रकार के लताएं हैं, खब्बे में फूल जैसे हैं। गिरवान बेली जर, तो गिरवान किनार पर अलग अलग प्रकार के लताएं उनकी वो जरी की लताएं बनी हुई हो इस प्रकार का दृश्य है। पीछे कटाव जो कोतकी पृष्ठभाग में केतकी के फूल की तरह से बड़ा सुंदर वो बड़े सुंदर डिजाइन है। रुआ छोड़ न सके क्यों कर, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है तो परमात्माएँ वहाँ से अपने दृष्टि को हटा नहीं सकती, एक से एक सुंदर है। कहे हार हम हैड़े पर अति विराजे अंग लाग, तो वहाँ कंठ में पहने हुए हार हैं वो भी कहते हैं कई बार कि अरे हम तो अक्षराते धामधनी के वक्षस्थल पर उसमें वहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके वो कई बार बोलते हैं, हमें कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा भी बोलते हैं। सुख देह कसूरत को एक कौन हमारो भाग, तो अक्षराते धामधनी के अंगों में हमें बैठने का मौका मिला और हमारे रहने से उनको प्रसन्नता होती है, तो हमारा इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, इस प्रकार की बात करते हैं। कंठहार नंग सब चेतन, कंठहार उसके अलग अलग रत्न वो सारे ही चेतन है, देख शोभा सब चढ़ती देता, इसलिए देखते हैं तो एक से एक शोभा बढ़ती जाती है। ए सुख रुआ सोई जाना ही जो सामी हक इशारत लेत, वहाँ सामने बैठ करके अक्षराते धामधनी जो संकेत करते हैं उस संकेत को जो समझ लेती है वो आत्मा तो इस आनंद को ले सकती है, इस बात को समझ सकती है। ए जंग रुह देखिया चाहे मिल ज्योते ज्योत लरत, तो ये अलग अलग रत्नों से ज्योति निकलती है तो वो मानव परस्पर द्वंद्व करते हैं ऐसा दिखाई देता है और आत्मा उसको देखते रहना चाहती है। कई रंग नंग रंग अवकाश में मीनो मीने कर जंग करत, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रत्नों से निकलती हुई किरण है तो आकाश में मानो द्वंद्व करती हो ऐसा लगता है। ज्योताती जवे रन की बाँव पर बाजू बंद, तो ये रत्नों की ज्योति अलग है, अलग ही प्रकार की है, तो वो कौन सी, तो बाँव पर बाजू बंद है उनकी विशेषता बता रहे हैं। जात चली ज्योत चीर के कई कई विध ऐसी सनंद, तो उसमें से निकलने वाली ज्योति वो तो दूसरी सारी ज्योतियों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो उसमें से ज़्यादा प्रकाश निकलता है, कहने का तात्पर्य है। हाथ कांडों कड़ी पहुँचिया, हाथ में ये मणिबंद पर कांडा बोलते हैं मणिबंद, उसमें कड़ा और आगे पहुँचा है। जानो ए ज्योत इत थे अतंत, तो ये तो एक से बढ़ चढ़ करके इनकी चमक है।
जो त सागर आकाश में कोई सके न इत अटकत, तो इनसे निकलते हुए ज्योति है पूरे आकाश में न सागरों के लहरों की भांति लहराती रहती है, तो वो कहीं भी अटकती नहीं है। तो वो लहरें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता ही नहीं चलता है। बाजूबंद पहुँची कड़ी ए भूषण शोभा अपार, ऐसे बाजूबंद पहुँचा, यहाँ पर पहना हुआ कड़ा है, ए भूषण शोभा अपार, इनकी अपार शोभा है। नरम हाथ लीके हथेलियाँ, हाथ में हाथ बड़े कोमल हैं, उसमें अस्त रेखाएँ वगैरह भी बड़ी सुंदर हैं। क्यों आवे शोभा शुमारा, तो उसकी शोभा है वो कहाँ तक बताएं, उसका कोई पारावारी नहीं है। जुदे जुदे रंगों ज्योत चले, ये जो नंग हाथ मुदरी, अब ये मुद्रिकाएँ वगैरह हैं उनकी ज्योति है, उनके उनके रत्न हैं, उनकी ज्योति भी अलग प्रकार की है। ये ज्योत लहरें कई उठता, ज्यों ज्यों चलवन करे अंगूरी, अक्षराते धाम धने जैसे हस्त कमल को मोड़ते हैं, जैसे चलाते हैं, तो उस तरह से वहाँ से निकलने वाली ज्योति है। तो कहते हैं नखा नूर चीर चढ़े आसमान में, ज्यों हक चलवन चलवन करत सब अंगूरी, उस तरह से इनकी ज्योति निकलती है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्यों ज्यों चलवन करे अंगुरी, जुदे जुदे रंगों ज्योत चले, ए जो नंग हाथ मुंदरी, ए तेज लहरें कई उठत हैं, ज्यों ज्यों चलवन करे आ।